से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज को देखने के बाद आप लोगों के आने वाले कोई से भी एग्जाम्स हो, एसएससी, सीजीएल एग्जाम, सीएचएसएल एग्जाम, सीपीओ एग्जाम्स, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी एग्जाम्स या कोई भी वन डे एग्जाम्स जिसपे ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के सिलेबस पे हो, इस वीडियो सीरीज को देखने के बाद आप लोग उन एग्जाम्स पे आए हुए सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सी सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की हम लोग थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम से, उन सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आप लोगों ने कहाँ से प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है, वो सब मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके, सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि यार ये ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते क्यों है और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। सी अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को देखोगे ना तो ट्रिग्नो और मेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है ना। जो ये ट्रिगो है इसका मतलब होता है ट्राइंगल, और जो ये मेट्री होता है इसका मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है ना। तो बेसिकली जब ट्राइंगल के जैसे आप लोगों को बता देता हूं, जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये क्या होते हैं एंगल्स होते हैं, ये क्या होता है, ये एंगल है, तीन एंगल है और ये क्या है इनके साइड्स है, एक दो तीन साइड्स। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, स्टडी है, किस चीज की स्टडी है, ट्राइंगल के एंगल और साइड के बीच में रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। बेसिकली अगर ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करना होगा तो क्या बोलोगे, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, क्लियर। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है आप लोगों को पता चल गया होगा ऑब्वियस। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो पे बेसिकली आप देखो ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो हम लोगों को छह रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए, बस इन छह रेशियोज पे आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाता है। क्या क्या होते हैं ये होते हैं आप लोगों के साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये छह डिफरेंट रेशियोज हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ने पड़ते हैं, जो कि इस पूरे ट्राइंगल के सारे एंगल और सारे साइड के बीच के रेशियो को डिफाइन कर देता है। तो बेसिकली हम लोगों को यही पढ़ना है, ठीक है ना। अब बच्चे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही सारे लोग डर के भागने लग जाते हैं। सीरियसली मैथ्स आप लोगों को टफ इसीलिए लगता है क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चों लोगों को परेशान करते हैं। जब हम लोग तैयारी करते थे तो ये वो टॉपिक्स थे जब जो हमें भी परेशान करते थे, बट फ्रेंड इस लेक्चर सीरीज को देखने के बाद आप लोगों के साथ ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप लोग कंफर्म मान के चलो 100% आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस इस जितने भी लेक्चर सीरीज में आप लोगों के बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, उसे देखने के बाद 100% आप लोगों के एग्जाम्स पे पूछे हुए क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर दोगे, एकदम इजीली, ठीक है। ओके, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा आप लोगों को, फास्टर अप्रोच भी बताऊंगा, ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊंगा, सब चीज बता दूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री आप लोग इजिली सॉल्व कर पाओ। ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो, अच्छा एक और बात, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे आरआरबी एनटीपीसी हो गया, ठीक है, एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीडीएस हो गया, एफकैट हो गया, या कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो गाइज नीचे मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे रखा है, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन पे मैंने आप लोगों को एक लिंक दे रखा है, आप लोग उस लिंक पे जाके खुद को रजिस्ट्रेशन कर लेना। वहां पर आप लोगों को जितने भी सारे एग्जाम्स है, किसी भी एग्जाम्स की जिसकी भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उस एग्जाम से रिलेटेड आप लोगों को मॉक पेपर्स मिल जाएंगे, फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है ना। दो तीन मॉक्स फ्री है, उसके बाद पेड मॉक्स है, तो जितने फ्री मॉक्स है उन्हें तो आप लोग देख ही सकते हो, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों के एग्जाम्स पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों ने किस तरह से अपने
पूरे प्रिपरेशंस को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसे। अच्छा, सबसे पहले देखो, अगर एक ट्राइंगल की मैं बात करूं, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसके तीन एंगल होते हैं, एक, दो और तीन, इसे आप 90 डिग्री मान, ठीक है, तीन साइड है, एक, दो, तीन साइड। अच्छा, इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, रेफरेंस एंगल, जिसे रिफर्ड करते हुए हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, थीटा के ठीक अपोजिट साइड जो एंगल होगा, थीटा के जो ठीक अपोजिट साइड पे एंगल होगा, ये एंगल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट जो एंगल होगा उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और जो बच गया, दिस विल बी योर बेस, क्लियर? हाइपोटेनस 90 के अपोजिट वाला, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, और जो बच गया दैट इज योर बेस, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा मैंने बताया, क्यों बताया, क्योंकि फ्रेंड कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, देखो ऐसे, ठीक है ना, अजीब से एंगल्स दिखेंगे आपको, ये थीटा होगा, ये 90 होगा, यहां पर सपोज करो ऐसे 90 बन रहा, ये वाला 90 बन रहा, तो आप लोगों को यहां पर सीधा पता होना चाहिए कि यार ये क्या है, मेरा परपेंडिकुलर है, थीटा के अपोजिट ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन में फिगर हमेशा सीधे सीधे नहीं होते, घूमे हुए होते, इधर उधर तिरछे होते हैं, तो जैसे भी फिगर हो, आप लोगों ने क्या, थीटा के ठीक अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के ठीक अपोजिट हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अच्छा, एक बात यहां पर आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता होना चाहिए, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अभी इसे लिखना, क्वेश्चन आएगा तब हम लोग इसका इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे, ये अभी लिख के रख लेना नोट्स को ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्लियर? ओके, अब यहां पर आ जाओ। अब देखो, हम लोगों को ये छह रेशियो बेसिकली फाइंड करने हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। अब इसे कैसे आप लोग फाइंड करोगे, तो एक चीज याद रखना आप लोग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, इसे आप लोग याद, क्या याद रखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, CSC, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कम से कम, ठीक है, ओके, इसे आप लोग ऐसे कर लो, ठीक है, याद रहेगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कम से कम, ओके। अब ये जो यहां पर S दिख रहा है ना, ये क्या है आप लोगों का, ये है आपका साइन, ये जो C दिख रहा है ये क्या है आप लोगों का, कॉस, ये T है ये क्या है आपका, टेन, ये जो C है ये है आपका कोसेक, ये जो S है ये आपका सेक, और ये जो C है ये है आपका कॉट। जो छह रेशियो की मैं बात कर रहा था कि भाई आपको साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे साइन है, कॉस साइन क्यों बोलते हैं, इसका मतलब पता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, ठीक है, टेन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन, ठीक है, ये सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है, वो सब छोड़ो, आप जितना आप लोगों को पता होना चाहिए उसके हिसाब से बताऊंगा, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जब हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, अभी के लेक्चर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहां से आप लोगों को ये सारे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, देखो साइन क्या होता है आप लोगों का,
साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर? कॉस ऑफ थीटा ये कितना होगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन ऑफ थीटा ये कितना होगा आपका, परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्लियर? इतनी बात क्लियर? अच्छा इसे देखो, कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा देखो साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, उल्टा। सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस ओवर बेस। कॉट ऑफ थीटा क्या होगा, कॉट ऑफ थीटा क्या होगा, यहां पर कॉट ऑफ थीटा होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेसिकली हमें एंगल, ये एंगल है और साइड, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस क्या है, साइड्स है, एंगल क्या है, थीटा। तो बेसिकली हम लोगों को एंगल और साइड के बीच में रिलेशनशिप मिल गया, दिस इज व्हाट द ट्रिग्नोमेट्री इज। क्लियर? अब यहीं से बहुत सारे टाइप्स बनते जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनते जाएंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ओके, अब यहां पर एक रिलेशनशिप देखो एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता हूं मैं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, देखो यहां देखो, साइन थीटा कितना है आप लोगों का, साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, यहां देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कर दूं मैं तो क्या होगा मेरा, साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो दिस विल कैंसल आउट, दिस विल कैंसल आउट, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, वन के बराबर। इसका मतलब इस टेबल में एक और आइडेंटिटी मिली मुझे, क्या मिली आइडेंटिटी, कि भैया साइन ऑफ थीटा इनटू कोसेक ऑफ थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू वन। सिमिलरली अगर आप लोग देखोगे, दिस दिस कैंसिल आउट, दिस दिस कैंसिल आउट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वन। इसका मतलब कॉस ऑफ थीटा इंटू सेक ऑफ थीटा ये भी कितने के बराबर होता है, ये भी वन के बराबर होता है। सिमिलरली टेन ऑफ थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा ये भी कितने के बराबर होगा, ये भी वन के बराबर। इतनी बात समझ में आई अभी तक, अभी तक कोई प्रॉब्लम किसी भी कंसेप्ट को समझने में? ओके आगे चलते हैं। इसका मतलब यहां से आप लोग क्या बोल सकते हो, देखो आपके पास एक ये रिलेशनशिप आ गया ना, देखो आपको पता चल गया कि साइन ऑफ थीटा इंटू कोसेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू वन होता है। इसका मतलब आप लोग ये बोल सकते हो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो आप ये भी बोल सकते हो कि कोसेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, दोनों बात प्रूव है, बोल सकते हो ना। सिमिलरली आपको पता है क्या, कॉस ऑफ थीटा इंटू सेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू वन होता है, तो वहां से ये सारी ये वाली आइडेंटिटी आप लोगों को सारी क्लियर हो गई होगी। क्लियर? ओके आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसे देखो आप जरा, इसे मैं रब कर देता, यहां देखो एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। आपको पता है क्या पता है, यहां से देखिए ना, साइन ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ऑफ थीटा इज योर बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, दोनों पे हाइपोटेनस आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है ना साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस है,
दोनों पे हाइपोटेनस आ रहा है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, डिवाइड कर देता हूं, तो क्या होगा आपका, देखो क्या हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही रह जाएगा अगर आप लोग इसे डिवाइड कर दोगे तो। अब एक बात बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, ये तो मेरा टेन थीटा है, तो इस परपेंडिकुलर ओवर बेस को मिटा के मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट माय टेन ऑफ थीटा। तो एक बात याद रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, जब भी क्वेश्चन साइन और कॉस पे और वहां पर एक टेन हो, तो हम टेन को क्या कर देते हैं, साइन और कॉस पे चेंज करते हैं, क्वेश्चन करते वक्त करोगे तो ये बात याद रखना आप लोग कि टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, इसे स्टार बना के रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा है तो क्या होगा, यहां देखो आपको ये बात पता है, टेन इंटू कॉट कितना होता है, टेन थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू वन, आपको ये बात पता है, पता है ना, टेन इंटू कॉट इज इक्वल टू वन, इसका मतलब कॉट ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, वन अपॉन टेन थीटा हो जाएगा, हो जाएगा, और टेन थीटा क्या है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा है, तो मैं बोल सकता हूं कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा, मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो साइन बाई कॉस की जगह क्या हो जाएगा, कॉस बाय कॉस थीटा बाई साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, इसे भी याद रखना, ये हमें बहुत जगह यूज होते हैं, ठीक है ना, आगे बहुत यूज होने वाले, क्लियर। तो बेसिकली आज के लेक्चर से आप लोगों के किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में, सी मैं आप लोगों को क्वेश्चन जब स्टार्ट करूंगा कराना तो सारे टाइप बता देता हूं, आज के लेक्चर से वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एग्जाम्स पे, अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, वैसे क्वेश्चंस हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे सारे, ठीक है, बट मैं बता देता हूं कैसे आते हैं क्वेश्चंस, आज के जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा यहां से, देखो ये तो एक तरीके से पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जान है ना, बट यहां से जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आ जाते हैं, देखो एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये थीटा है, ये 90 है, ये 5 है, ठीक है, ये 3 है, ये 4, ऐसा आ जाएगा आपके पास कि भाई ऐसा भी होगा, देखो अब आपको पता है, अब तो खुद ही क्वेश्चन बना दो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस कितना है, 5, ठीक है, आगे से मिलता है, बोला जाएगा इफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4/5 फाइंड टेन थीटा, क्लियर। अब यहां पर देखो ट्रिपलेट्स में आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है, जब आप क्वेश्चंस पे जाएंगे, अभी मैं बेसिक बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स पे यहां से बनेंगे आपके, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो सीधा सीधा आपको पता है थीटा के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, हाइपोटेनस 90 के अपोजिट होता है, ये 5 हो गया, आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, थ्योरम नहीं पता तो ट्रिपलेट जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, तो ये 3 आ जाएगा, देखो कैसे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x, अगर मैं इसे मान लेता हूं x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है, तो ये कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 16, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 3, तो 3 मैंने कहा, फाइन टेन ऑफ थीटा बोला था, अब टेन ऑफ थीटा कितना होता है आपके पास, टेन थीटा इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर और बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना आ गया, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज योर 4, बेस कितना आ गया आपके पास 3, तो टेन ऑफ थीटा कितना आ जाएगा 4/3, ये तो एकदम मतलब बच्चों वाले क्वेश्चंस करा दिए मैंने आपको, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, जब हम लोग अभी क्वेश्चंस पे जाएंगे तो वहां पर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा। बेसिकली हम लोग कहां से कवर करने वाले हैं, मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं, आई विल
कवर एनसीईआरटी, ठीक है, ओके। सेकंड हम लोग करेंगे जो एनआईओएस के बुक है और जो तमिलनाडु एनसीईआरटी है, डू के जो एनसीईआरटी है, एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, कोई अगर नया टाइप हमें मिलता है तो, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर एक बात बता देता हूं कि एसएससी सीजीएल वालों के लिए स्पेशली, ठीक है, स्पेशल लेक्चर्स बनाऊंगा एसएससी सीजीएल वालों के लिए। उस पर हम लोग क्या करेंगे, जो 11th क्लास की जो कॉम्पिटिशन्स के लिए यूज होती है ना आरडी शर्मा, वहीं से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मिलते हैं यहां से आपके स्पेशली एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन। तो ये बता देता हूँ, कॉम्पिटिशन की बुक आती है ना आईआईटी के लिए जो प्रिपरेशन मोड टीसी है, उसमें देखा वहीं से कॉपी करते हैं पेस्ट कर देते हैं, कॉपी करते पेस्ट यहीं से आते हैं सारे, यहीं से जो नए टाइप आ रहे हैं। और फैकल्टी लोग तो क्या है, उन्होंने तो भोकाली मचाना है ना क्वेश्चंस का, बट क्वेश्चंस सारे यहाँ से कॉपी पेस्ट होते हैं, जो पुराने ट्रिपल ई के क्वेश्चंस नहीं होते थे वही क्वेश्चंस अब यहाँ पर दे दे रहे हैं। एंगल थीटा स्टैंडर्ड एंगल्स ना देकर 18 डिग्री और 36 डिग्री और 72 डिग्रीज पे दे दे रहे क्वेश्चंस, कुछ नहीं होता। ये बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं कवर करा दूंगा, उसके बाद मक्खन है, सब मक्खन है, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना ट्रिग्नोमेट्री से 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, 100% क्वेश्चंस, क्लियर, ठीक है। तो आज के लेक्चर छोटे छोटे रखेंगे, मैं नहीं चाहता कि यार 10 घंटे का एक लेक्चर बनाऊं और पागल कर दूं आप लोगों को, ठीक है, 15 से 20 मिनट के एक लेक्चर्स होंगे, डेली बढ़ते जाएंगे, धीरे 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 सीखते जाओगे जब तक एग्जाम्स आएगा। और बेसिकली यहाँ पर मेरा पढ़ाने का मोटो उन स्टूडेंट्स को लेकर है जो कि पहली बार एग्जाम्स को प्रिपरेशन करने आ रहे हैं, ये भी अभी बता देता हूँ, ठीक है। मुझे एक स्टूडेंट को 0% के लेवल से लेकर जाना है 100% तक, बेसिकली मतलब जो एकदम बिगिनर है ना उसे क्या बनाना है, प्रो बनाना है, ताकि वो एग्जाम्स को क्लियर कर पाए, तो वो फॉलो करेगा तो प्रो भी इजीली बन जाएगा और इजीली एग्जाम्स को क्रैक कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओके, आज के वीडियो पे हम लोग इतना ही थ्योरी डिस्कस करते हैं, इसके अगले पार्ट में मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम लोग आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस के बोचार होंगे और अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे और चुटकियों में सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करने लग जाओगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा ताकि जो मैं अगली वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे। बेल आइकन पक्का से दबाना क्योंकि YouTube नोटिफिकेशंस भेजता नहीं है आजकल, बहुत प्रॉब्लम है YouTube में भी, तो अगर नोटिफिकेशंस को क्लिक करोगे और दो चार पुराने वीडियोस देख लोगे तो फिर वो आप लोगों को नोटिफिकेशंस भी भेजना स्टार्ट कर देगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।